हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 2 अगस्त 2020 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है हमारा यह वीडियो और एजुकेशनल कोरियोग्राफी की दृष्टि से हमारा यह बेस्ट वीडियो है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें और बाद में आप सोचें कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने हेतु भारत सरकार को कितने डॉलर की आर्थिक सहायता मंजूर की? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए हाल ही में 3 मिलियन US डॉलर की आर्थिक सहायता मंजूर की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 मिलियन, और तकरीबन भारतीय रुपयों में इसकी राशि होती है 22 करोड़। तो देखो, एडीबी ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 3 मिलियन डॉलर यानी लगभग 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, लेकिन इस सहायता किस देश के द्वारा दी गई है और इसका यूज कहां किया जाएगा वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि भारत को दिया जा रहा यह अनुदान किस देश की सरकार द्वारा वित्त पोषित है? जापान देश की सरकार द्वारा यह वित्त पोषित है। और इस अनुदान का उपयोग कहां किया जाएगा? तो याद रखो, कोविड-19 प्रतिक्रिया को मजबूत करने और इस महामारी से मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए इस अनुदान का उपयोग किया जाएगा। और जब यह अनुदान दिया है एडीबी ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। और वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य देश है जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से है। तो दोस्तों, बस इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा? तो नीति आयोग, जिसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इनके द्वारा यह डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इसमें सबसे टॉप पर रहा है बीजापुर जिला, जो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीजापुर। तो देखो, डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी से लेकर जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में हुई प्रगति के आधार पर निर्धारित की गई है यह रैंकिंग, और इसमें छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वो टॉप पर रहा है। और यहां मैप में देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ राज्य जिसका यह है बीजापुर यह जिला। तो देखो, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले स्थान पर रहा है डेल्टा रैंकिंग में, जबकि दूसरे स्थान पर मेघालय का रीबोई जिला, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला तीसरे स्थान पर है। और यहां पर देख सकते हैं ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग, हाईएस्ट स्कोरिंग इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग फरवरी से जून 2020। तो यह बीजापुर पहले स्थान पर, रीबोई दूसरे स्थान पर, और यह जो बहराइच है वो तीसरे स्थान पर, और नवाड़ा बिहार का चौथे स्थान पर, और मोगा पंजाब वो पांचवें स्थान पर है। और बात करते हैं इस रैंकिंग को जारी की है नीति आयोग ने, तो नीति आयोग के बारे में इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए
कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, योजना आयोग का स्थान लिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत। और नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है, आलोक कुमार। और दोस्तों नीति आयोग का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग ड्रोनों को किसने तैनात किया है। यहां आप देख सकते हैं अरावली या माउंटेन रेंज, और यहां हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में हरियाणा सरकार ने एरियल सीडिंग ड्रोनों को तैनात किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार। लेकिन एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है कि एरियल सीडिंग ड्रोनों को क्यों तैनात किया गया है, तो याद रखो यहां आप देख सकते हैं इस ड्रोन को, तो इस ड्रोन के जरिए जो बीज है इसका छिड़काव किया जाता है और यहां इस क्षेत्र को हरित बनाने के लिए यह इस्तेमाल किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अरावली और शिवालिक पहाड़ियों के दुर्गम और कठिन स्थलों पर कम वनस्पति घनत्व या खंडहर क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यह हाल ही में एक पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। लेकिन एरियल सीडिंग है क्या, तो रोपण की एक तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है और इसके बाद हवाई उपकरणों जैसे कि विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों को लक्षित क्षेत्र में फेंका जाता है, छिड़काव किया जाता है। और यहां ऐसे जो स्थानीय बीजों का यूज किया जाता है जो यहां पॉसिबल हो यह वनस्पति विकसित होने के लिए। और एकल ड्रोन, एक एकल ड्रोन एक दिन में 20,000 से 30,000 बीज रोपित कर सकता है और इसीलिए यहां वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने यह कदम उठाया है। तो पहले तो आप यहां मैप में देखिए कि अरावली रेंज, अरावली रेंज वो यहां गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा से आगे बढ़ते हुए पंजाब तक फैली है। और हरियाणा का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा को आर्याना भी कहा जाता है। और हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल और हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। तो दोस्तों हरियाणा से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत विजेता संस्थान को कितने रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जारी है और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक किसी संस्थान भी यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो यहां जब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, तो यहां विजेता संस्थान को 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 51 लाख रुपए। और सुर्खियों में क्यों है, तो देखो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं और नामांकन की अवधि 31 अगस्त 2020 तक की है। और आप किस वेबसाइट के जरिए यहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो www.dmawards.ndma.gov.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहां जब पुरस्कार की बात आती है तो व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता को 5 लाख रुपए और किसी संस्थान को विजेता को 51 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। और प्रत्येक वर्ष इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत क्यों की है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है।
तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों को एवं संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे रजत भाटिया किस खेल से जुड़े हैं? रजत भाटिया जो एक हमारे भारत देश के हमारे घरेलू क्रिकेट के जाने माने प्लेयर है, यानी कि वो एक क्रिकेटर है और उन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजत भाटिया का संबंध है क्रिकेट से। ओके, तो देखो रजत भाटिया हाल ही में घरेलू क्रिकेट के वरिष्ठ खिलाड़ी और ऑलराउंडर रजत भाटिया अपने लगभग दो दशक लंबे प्रथम श्रेणी के करियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं हमारे रजत भाटिया जो घरेलू क्रिकेट के एक जाने माने स्टार थे, उन्होंने आईपीएल भी खेला है। और उनकी करियर की बात करें तो रजत भाटिया ने अपने करियर की शुरुआत कब की थी? वर्ष 1999-2000 के सीजन में तमिलनाडु के साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी रजत भाटिया ने। और रजत भाटिया ने आखिरी बार वर्ष 2019 में रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी मैच खेला था, जिनमें 175 रन के औसत से 700 रन भी इस रजत भाटिया ने बनाए थे। और रजत भाटिया आईपीएल में भी कई टीमों की ओर से खेल चुके हैं, जिनमें दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान और पुणे भी शामिल है। और वे कभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेशनल मैच न खेल पाने का अफसोस नहीं, ऐसा रजत भाटिया ने कहा है। और रजत भाटिया ने अब क्रिकेट को अलविदा कहा है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चला है? और यह उच्च स्तर भी तकरीबन 3 ppm है, यानी कि 3 parts per million है। और यहां 0.5 ppm यदि पानी है तो यह पीने लायक है, और यहां तो पता चला है कि 3 ppm है, यानी कि इससे 6 गुना ज्यादा। और इस नदी का नाम है दोस्तों दिल्ली की यमुना नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यमुना। तो देखो भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम सीमा 0.5 parts per million है, यानी कि 0.5 ppm है तो यह पानी पीने लायक है। लेकिन दिल्ली में जो यमुना नदी का पानी है वो 3.0 है, यानी कि बिल्कुल ही पीने लायक नहीं है। और अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3, वो भी याद रख लीजिए। और अमोनिया एक रंगहीन गैस है जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। और अगर जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक है तो यह जल मछलियों के लिए भी विषाक्त है। और इसी तरह हाल ही में अमोनिया से प्रदूषित हो गई है यह यमुना रिवर, और दिल्ली के लिए यहां खतरे की घंटी है यह यमुना। तो याद रखो यमुना के बारे में, यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना का उद्गम स्थान कहां पर है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में गंगा नदी से यह मिलती है यमुना। यमुना की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? 1376 किलोमीटर की यमुना नदी की लंबाई है। सातवां क्वेश्चन, ईद अल अजहा किस धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है? यानी कि कल ही यह त्योहार मनाया गया है ईद अल अजहा, और यह इस्लाम धर्म के में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। तो सभी इस्लाम धर्म के इस विश्वास करने वाले समुदाय को ईद अल अजहा। और बात करते हैं यह इस्लाम धर्म से जुड़े इस त्योहार की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ईद अल अजहा का मतलब क्या होता है? कुर्बानी की ईद। और रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद इसे मनाया जाता है। किसे? ईद अल अजहा रमजान की समाप्ति के बाद लगभग 70 दिनों के बाद यह मनाया जाता है। और यह जब त्योहार कल ही मनाया गया है तो इनके बारे में यह
जो इतिहास की घटना है वो भी याद रख लो। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता है। और अब बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलने वाला वंदे भारत मिशन का 5वां संस्करण हाल ही में जब शुरू हो चुका है, तो वंदे भारत मिशन का उद्देश्य विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाने हेतु यह वंदे भारत मिशन का 5वां चरण शुरू किया गया है। और कब शुरू हुआ? 1 अगस्त से शुरू हुआ है और इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएगी और इनमें 692 अंतरराष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल है। और इसीलिए आपको याद रखना है मिशन वंदे भारत। और यहां जब 4 चरण भी समाप्त हो चुके हैं तो देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 130,000 भारतीयों को लाया जाएगा यह 5वें संस्करण में। और वंदे भारत मिशन के अंदर अब तक 878,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है और हमारी भारत सरकार और हमारी जो हवाई सेवा है उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है, तो इस कार्य के लिए शत शत नमन। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। ब्रिक्स देशों में 5 देशों का समूह जो हाल ही में विकास के दौर पर है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह जिसका नाम है ब्रिक्स। और इस ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता हाल ही में रूस देश ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस देश। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। तो ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों ने बृहस्पतिवार को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक में भाग लिया। तो हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व किसने किया है वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल सा आंसर है, जब पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी तो हमारे भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने भारत की ओर से हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है। और जब इसकी अध्यक्षता की है रूस देश ने, तो रूस से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन पिछले सप्ताह ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजिन का सफल परीक्षण किसने किया है। यह 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण रूस देश ने किया है। और तब भी मैंने आपको रूस देश के बारे में बताया था और भी एक क्वेश्चन को लेकर रूस देश करंट अफेयर में कि हाल ही में विश्व की प्रथम हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवागार्ड को किस देश ने ऑपरेशनल किया है। अवागार्ड को भी ऑपरेशनल किया है रूस देश ने। तो अब आप मैप में देखिए रूस देश कि यहां पर है चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस और फिनलैंड जैसे देशों से घिरा हुआ है यह रूस। रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। रूस की करेंसी का नाम है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम क्या है? अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो रूस के बारे में आपको इतना याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पीएम मोदी के नए निजी सचिव होंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अब निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। तो देखो हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के IAS अधिकारी है। वह वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत है। हार्दिक पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे और वो बन गए हैं प्रधानमंत्री के निजी सचिव। नाम मत भूलिएगा।
ग्यारहवां क्वेश्चन, ICRA ने किसको अपना नया MD और ग्रुप CEO बनाया है? ICRA जो एक हमारे घरेलू रेटिंग एजेंसी है और उन्होंने अपना नया MD और ग्रुप CEO बनाया है N. Sivaraman को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी N. Sivaraman, और वो बन गए हैं ICRA जो हमारी एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है। और यहां आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को नाम मत भूलिएगा, N. Sivaraman। तो देखो ICRA द्वारा N. Sivaraman को 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो एक और क्वेश्चन कि N. Sivaraman किसका स्थान लेंगे? N. Sivaraman नरेश टक्कर का स्थान लेंगे, और यह हमारी एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है, यह बात भी याद रख लीजिए। और यहां इसके बारे में कुछ 3 फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं कि ICRA घरेलू रेटिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1991 में। और ICRA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव में। और ICRA के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कौन है वर्तमान में? अरुण दुग्गल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और हरियाणा के गुरुगांव गुड़गांव में यह हेडक्वार्टर स्थित है, वो भी आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, COVID-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड किसने विकसित किया है? आश्रय मेडिकल बेड को DIAT ने विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है DIAT। लेकिन DIAT का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने हाल ही में आश्रय नामक इस बेड को विकसित किया है, तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो DIAT अनुसार 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की लागत लगभग 1 लाख रुपए आएगी, जबकि घर में क्वारंटाइन के लिए एक बेड की लागत 15,000 रुपए होगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति COVID-19 से संक्रमित है तो इसी तरह की बेड विकसित कर सकता है सिर्फ 15,000 रुपए में। और जब बात करते हैं DIAT की, तो इसके वर्तमान कुलपति कौन है? CP रामनारायण। और DIAT का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और DIAT की स्थापना 1952 में हुई, और यह संस्थान पुणे महाराष्ट्र के खड़कवासला बांध के पास गिरिनगर इलाके में स्थित है, तो यह बात भी आप लोकेशन याद रख सकते हैं। और अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, हरि कृष्णा ने बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में कौन सा स्थान हासिल किया है? हमारे भारत देश के एक जाने माने चेस के ग्रैंड मास्टर, और उन्होंने हाल ही में बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में 2रा स्थान हासिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2रा स्थान। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर ऐसे हरिकृष्ण को। तो देखो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें बिल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में 2रा स्थान हासिल किया, और वर्ल्ड में 26 नंबर काबिज खिलाड़ी ने शीर्ष पर रहने वाले पोलैंड के रादोस्लाव वोस्ता जेक की तुलना में 10 अंक कम हासिल किए। तो आपको नाम याद रखना है पी हरिकृष्णा, जो हमारे भारत देश के एक जाने माने चेस प्लेयर है और ग्रैंड मास्टर भी है, और उन्होंने 2रा स्थान हासिल किया है। और बिल चेस फेस्टिवल COVID-19 महामारी के दौरान बोर्ड पर खेला जाने वाला पहला प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका आयोजन सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए किया गया, यानी कि सामाजिक दूरी भी यहां पर बनाई रखी गई है। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ब्लू पॉपी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ब्लू पॉपी जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है, तकरीबन 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर यह पौधा पाया जाता है, जिसे हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है यह ब्लू पॉपी को, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है फूलों का एक पौधा है ब्लू पॉपी। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनमें से है विजय सावड़िया, सौम्या पटेल। सौम्या पटेल ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा है। काजी यूनुस गुजरात राजकोट पड़दरी से बिलोंग करते हैं।
सुरेश सियाल वो भी हमारे साथ तलाजा से जुड़ चुके हैं और पहली बार कमेंट का सही आंसर भेजा है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर मनोज राठौड़, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। तो आमिर खान पठान, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया और पहली बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि पश्चिम घाट में पाया जाता है। तो आप प्लीज करेक्शन कर लीजिए, आमिर खान पठान पश्चिम घाट में नहीं बल्कि यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। और हेमराज माली ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है, वो है राठौड़ अंजलि। उन्होंने भी यहां लिखा कि ब्लू पॉपी जो एक फूलों का पौधा है, यहाँ कश्मीर से लेकर यहाँ जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर यह पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत आंसर लिखने के लिए धन्यवाद। चेतन वाघ, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। वणकर नितिन कुमार गुजरात के अहमदाबाद से, और वैष्णव सिंहा वो सूरत से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है जो सूरत से है, हर्ष अंतानी, उन्होंने लिखा है कि ब्लू पॉपी फूलों का एक पौधा है और हिमालय के उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र से कश्मीर के बीच 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और बहुत ही खूबसूरत लिखा कि हिमालयन फूलों की रानी भी कहा जाता है ब्लू पॉपी को। और प्रियंक चौधरी, उन्होंने भी सूरत गुजरात से इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में दुनाड़ी गांव में आजादी के 70 साल बाद बिजली पहुंची, यह गांव किस राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इस गांव के बारे में मैंने कल आपको बताया था, यदि आपको आंसर पता है तो जल्द से जल्द आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और दोस्तों हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप हमें एक मिनट का वक्त दे सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।